नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। तो यहाँ मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि हमारे कॉलर वाले सूट की कटिंग थी, उसकी सिलाई की वीडियो ये वाली है। तो वो सूट जो हमने कटिंग की थी वो हम कॉलर वाली बना रहे हैं जो कि 15 से 16 साल की लड़की के लिए था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपने सूट का गला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पट्टी कटिंग करेंगे। तो हम अपना गला बना के वहाँ पे फाइनल करेंगे। अगर आपको उसकी कटिंग वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस सूट की कटिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी पार्ट फर्स्ट में, और ये पार्ट सेकेंड है। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड कर, बचे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर अपना गला हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और ये पट्टी हम निकाल ले रहे हैं और गले पे जॉइंट कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट का गला। सेम उसी डिज़ाइन में निकालेंगे जिस डिज़ाइन में हमने गला कटिंग किया है। उसके बाद ये कम से कम 1 से 1.5 इंच का गैप रख करके हम एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने फ्रंट के गले की पट्टी काट के निकाल ली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे रखा है बकरम जो कि हम डालेंगे फ्रंट के गले में। तो इसका भी हम सेम एग्जैक्टली कपड़ा ऐसे फोल्ड, बकरम को फोल्ड करके और हमने उसी डिज़ाइन में काट लिया है ताकि हमारा जो गला हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा टाइट रहे और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इसके लिए हम बकरम डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो बिना बकरम भी बना सकते हैं। और ये जो बचा हुआ है इसको हम कॉलर जब बनाने जाएंगे तो कॉलर में डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का गला बना के रेडी कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए इसकी सिलाई हम देख लेते हैं कैसे होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा गला और ये सेम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमने पट्टी काटी थी उसको हम पहले ऐसे रख ले रहे हैं और पट्टी के ऊपर ये अपना बकरम रख ले रहे हैं। तो ये जॉइंट जो है वो हम फ्रंट साइड से कर रहे हैं ताकि इसे हम टर्न कर देंगे। इसके बाद हम ऐसे जो हमने सिलाई चलाई है उसके अंदर हम कॉर्नर्स पे या जहाँ पे टर्न होगा
छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसको हमको टर्न करना है दूसरे साइड, तो अगर हम ये कट्स नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से टर्न नहीं होगा। तो टर्न करने से पहले ही यहाँ पे हम ऊपर से एक सिलाई किनारे पे चला लेंगे, ताकि जब हम टर्न करें तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ कि आपको एकदम सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलानी है। ये हम दूसरे किनारे को ऐसे फोल्ड करके और सिलाई चला लेंगे अंदर की तरफ। देखिए सिलाई चलाने के बाद से जो है हमारा गला कितना परफेक्टली और फिनिशिंग के साथ जो है वो बैठ गया है। तो यहाँ पे हम एक कच्ची सिलाई चला ले रहे हैं इसको, क्योंकि कच्ची सिलाई इसलिए हम चला रहे हैं क्योंकि पीछे से हमें इसकी तुरपाई करनी पड़ेगी। तो तुरपाई करने के बाद हम ये वाली जो स्टिच हम लगा रहे हैं उसको हम खोल देंगे। तो कभी भी अगर आपको जहाँ पे तुरपाई की ज़रूरत लगती है वहाँ पे आप बड़ी स्टिचेस कच्ची सिलाई चला सकते हैं, और तुरपाई करने के बाद जो है उतना दूर का सिलाई आप खोल दीजिए तो वो काफ़ी अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है उससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गला काफ़ी अच्छे से और सुंदर बैठ के रेडी हो गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग लग रही है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे अपने पीछे वाले गले पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का गला है, तो यहाँ से हम नापेंगे कम से कम 2.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा जब हम पीछे का पल्ला ज्वाइंट करेंगे, और 2 इंच बचेगा तो फ्रंट के 2 इंच तक हमारी कॉलर ये आगे आएगी। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है कि हमको कॉलर कितनी बड़ी काटनी है।
ये हमारा बैक का हिस्सा, तो इसका भी नाप हम ले लेंगे कितना है। तो ये हमारा 7 इंच, तो ये है हमारा 7.5, सॉरी 7 इंच। तो जैसे हमने यहाँ पे गोलाई नाप ली है 7 इंच, और फ्रंट का 4 इंच, क्योंकि ये 2-2 इंच बचेगा, हाफ हाफ इंच तो सिलाई में जाएगा, तो 7+4 हो गया आपका 11 इंच। और उसमें हम 1.5 इंच और रखेंगे अपना एक्स्ट्रा मार्जिन, तो वो हमारा हो जाएगा 12.5 इंच। तो टोटल हम 12.5 इंच का कॉलर कटिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉलर जब हम बनाएंगे तो उसमें भी सिलाई में जाएगा कपड़ा। और अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है, तो आप बैक का गला भी बना करके हल्का सा पट्टी जोड़ करके और उसके बाद भी आप कॉलर लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो करने के बाद आपको परफेक्ट मेजरमेंट उस वैसे भी मिल जाएगी और ऐसे भी मिल जाएगी। ये है कॉलर की चौड़ाई, जो कि है 4 इंच। और ये जो हमारा कॉलर है वो शर्ट वाला नहीं है, ये कुर्ते वाला कॉलर है, जो कि सिंगल कॉलर होता है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि 12.5 इंच और 4 इंच। हमने ये कपड़ा कटिंग करके निकाल लिया। अभी सेम साइज़ का हम बकरम कटिंग भी कर लेंगे, तो हमें कपड़ा बकरम के ऊपर रख लेना है। और बकरम सिंगल लेयर का ही है, बकरम को हमने डबल नहीं किया है, जैसे हमने कपड़े की कटिंग की है सेम वैसे हम बकरम की भी कटिंग कर ले रहे हैं। और यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा बकरम को आयरन करके हल्का सा और इसको प्रेस करके अच्छे से बैठा सकते हैं इसके ऊपर। तो कुछ ऐसे हमारी कॉलर बनेगी, तो इसकी सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉलर कैसे बनाया जाएगा। तो कॉलर की सिलाई हमें कैसे चलानी है, हमने कपड़े को देखिए ऐसे उल्टा डबल फोल्ड किया है, उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, ताकि हम जब मशीन पे सिलाई करने जाएं तो हमारे लिए इजी रहे कि हमको कहाँ से कहाँ सिलाई चलानी है। ये कॉर्नर थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे ऐसे, और यही सेम चीज़ हम बकरम में भी करेंगे ऐसे ही। तो बकरम को अभी हम नहीं कटिंग कर रहे हैं, इसको सिलाई चला लेंगे पहले, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी सिलाई। तो यहाँ हम सिलाई जब करेंगे तो सबसे पहले बना लेंगे अपना कॉलर। तो कॉलर को यहाँ पे हम कपड़े को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फोल्ड करके और बकरम सबसे नीचे प्लेस किया है, उसके ऊपर हमने कपड़ा रखा है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम किनारे पे चला लेंगे एक सिलाई। तो सिलाई को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम कॉलर लगाना दिखाएंगे आपको। तो पहले सबसे पहले बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राउंड करेंगे, उसके बाद से फिर किनारे पर हम ऐसे चलाते जाएंगे सिलाई। और दोनों तरफ का इक्वल राउंड होना बहुत ज़रूरी है, तो सिलाई चलाते वक्त बस इसी चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों साइड का जो आपका राउंड एज है वो एकदम बराबर हो, एक एक छोटा एक बड़ा ना हो। तो यहाँ हमने चला ली सिलाई, अब इसको हम करेंगे यहाँ से निकाल देंगे पहले, ताकि ये जब हम टर्न करें तो मोटा ना हो। कुछ ऐसे टर्न कर लेंगे, तो ये सीधे की तरफ हम यहाँ पर टर्न कर लेंगे, तो ये हमारा कॉलर बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम चला लेंगे सामने से सिलाई। तो
तो कभी भी आप कॉलर बनाए तो अगर इस तरीके से आप कॉलर बनाते हैं तो बहुत काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे टर्न करने के बाद हम चला लेंगे ऊपर से एक सिलाई ताकि हमारी फिनिशिंग जो है वो कॉलर की वो अच्छी आए और हमारा कॉलर अच्छे तरीके से बैठ जाए। यहाँ पे जब हम कॉलर बना के हमने रेडी कर लिया है तो सबसे पहले हमने कुर्ती का जोड़ लिया है अपना शोल्डर। तो आप पहले शोल्डर जोड़ के आप भी रेडी कर लें। शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉलर जो है वो जॉइंट करेंगे। तो दोनों शोल्डर की तरफ दो दो सिलाई चला लें। और सबसे पहले हम कॉलर ही लगाएंगे। जब हमने शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलर लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे कॉलर जैसे कि आपने देखा कि बीचों बीच में हमने कॉलर पे एक कट लगा दिया है ताकि हमें मिडिल एरिया पता चले और जो हमारे कुर्ती का गले का बीचों बीच है पीछे से बैक साइड से हम लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि जब हमारा कॉलर एंड हो तो उसका डिस्टेंस सेम हो, नहीं तो एक ज़्यादा आगे और एक पीछे हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बैक साइड से जोड़ना स्टार्ट करें और वो भी एकदम बीचों बीच मिडल से जोड़ना स्टार्ट करें तो इससे आपकी कॉलर जो है वो बराबर बैठेगी। पे जैसे कि आपने देखा हमने कॉलर लगा के रेडी कर लिया है और ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे और ताकि ये दिखाई ना दे और भद्दा ना लगे देखने में, तो हमने इसे कटिंग करके निकाल दिया। या आप अंदर की तरफ फोल्ड करके और उस पर भी एक सिलाई चला लेते हैं, वो आपके चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, हमने उसे कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा कॉलर जो है वो बन चुका है सूट का और फिलहाल जो हमारी पूरी कुर्ती है वो हमें एज़ यूजुअल वैसे ही सिल लेनी है जैसे कि हम सिलते हैं। तो अगर आपको उसकी सिलाई की फुल वीडियो चाहिए तो मेरे लिंक में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, कॉलर लगा लिया है और काफ़ी बराबर आया है कॉलर लगा के। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ।